ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इकराम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और हजरत शाह सकलेन अकेडमी के अध्यक्ष हाजी लतीफ कुरैसी ने बकरा ईद पर लोगों से अपील की कि अमन और शांति के साथ इस त्यौहार को मनाएं। इकराम के साथ कुर्बानी करें। क्या नाम है आपका? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम। कल बकरीद है, इसके बारे में जानना चाह रहा था मुझे आपसे। बकरीद का दिन बड़ा फजीलत का दिन है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर और रसूल हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल खलीलुल्लाह की निशानी के तौर पर कुर्बानी का हुक्म फरमाया। हजरत इस्माईल जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जिसको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं उस अज़ीज़ हिस्से को क़ुरबान करिए और अल्लाह की राह में क़ुरबानी दीजिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत इस्माईल खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पेश की। तो ये क़ुरबानी अल्लाह को इतनी महबूब हुई और इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तमाम उम्मत मुस्लिमा पर इसको फ़र्ज़ करार दे दिया। जो साहिब निसाब नहीं हैं वो भी क़ुरबानी कर सकते हैं, जो साहिब हैसियत हैं वो क़ुरबानी करें और अल्लाह के राह में सवाब हासिल करें। तो क़ुरबानी का महत्व यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है और ये दरअसल इस्लाम का यह ऐसा फ़लसफ़ा है क़ुरबानी का कि इस्लामी महीना क़ुरबानी से शुरू होता है और ये इस्लामी महीना क़ुरबानी पर ख़त्म होता है। यानी शुरुआत मुहर्रम से होती है, जहाँ पर करबला की सरजमीन पर हजरत मामून हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हू ने क़ुरबानी पेश की। और ये महीना ज़िलहिज्जा का जो ख़त्म होता है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा क़ुरबानी पर ख़त्म होता है। तो क़ुरबानी का दिन बड़ा अहमियत और बड़ा फजीलत का दिन है। तो आज के दिन हम ये तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अमन शांति के साथ में क़ुरबानी करें। क़ुरबानी जब करें तो शरई पासदारी रखें। जिस तरीक़े से शरीयत ने हुक्म दिया है क़ुरबानी करने का, इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है उसको अपनाएं। यानी अपने घर के अंदर क़ुरबानी करें। क़ुरबानी के जानवर का फजला यानी हिस्सा कोई सा भी हो, खाल है, खुर है, और भी सींग है, खून है, ये कहीं भी बहने न दें, कहीं फिकने न दें। और बाहर गली में, सड़क पर, रोड पे, कूचे पे, चौराहे पे क़ुरबानी न करें, बल्कि इसको घर के अंदर करें, चार दीवारी के अंदर करें। यहाँ तक कि क़ुरबानी का जो खून है वो खून नालियों में न बहे। अगर खून नालियों में बहता है तो क़ुरबानी के जानवर की ये तौहीन है। अगर फजला कहीं बाहर रोड पर फेंकते हैं तो वो कुत्ता या कौवा या कोई भी जानवर उसको ले जा करके कहीं फेंक देता है तो दूसरे समुदाय के लोगों को तकलीफ़ होगी और उस क़ुरबानी के जानवर की तौहीन होगी। इसलिए बिल्कुल उसके फजले को, क़ुरबानी के जानवर के फजले को उसको दफन करें, खून को भी दफन करें, खून को भी नालियों में बहने न दें। इसलिए बहुत फजीलत है और बहुत एहतराम के साथ क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करें। और इसमें हिकमत यह है कि उसका जानवर का एहतराम भी बाकी रहेगा और हमारे वतन के दूसरे समुदाय के जो शहरी हैं उन लोगों का भी। हाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी लतीफ कुरैसी। किस उससे जुड़े हुए हैं आप? मैं हजरत शाह सकलेन अकेडमी ऑफ इंडिया। कल क़ुरबानी है, कुछ क़ुरबानी के बारे में बताएं कि क़ुरबानी किस लिए मनाई जाती है? क़ुरबानी जो है इसलिए मनाई जाती है कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुक्म हुआ था क़ुरबानी का। एक अपने बहुत खूबसूरत अपनी मतलब बहुत उसको अजीब चीज़ को आप क़ुरबान करें तो आपने सबसे पहले 100 ऊँट ज़बह करे थे पहले दिन। दूसरे दिन फिर हुआ और 3 चीज़ अपनी ज़बह करे तो आपने 100 ऊँट फिर ज़बह करे थे। फिर उसके बाद में हुआ कि और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ आप अपनी जो है ज़बह करें तो आप अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेके चले गए। इसलिए क़ुरबानी जो है हम लोगों के लिए फर्ज करी गई है। हम लोग क़ुरबानी करते हैं, क़ुरबानी साहिब माल पे है। जिनके पास 23,000 रुपये तक का अगर राशि है तो वो क़ुरबानी करना फर्ज है उनके पास।
और हम चाहते हैं कुर्बानी जो है 3 दिन तक होती है। पहला दिन हमारा कल है, दूसरा परसों है, तीसरा दिन के बाद है। तो हम चाहते हैं कि सारे लोगों से हमारी गुजारिश है कि अमन शांति और चैन के साथ कुर्बानी करें, भाईचारे के साथ रहें और कहीं बाहर रोडों पर कुर्बानी ना करें, अपने अपने घरों में करें, बंद जगहों पर करें। इसके एहतियात रखें, खून वगैरह ज़्यादा ना बाहर बहे और अपनी एहतियात ही खुद ही करें, क्योंकि हमारे यहाँ खुद